जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। आज हमारे साथ लेखक तुषार जी हैं, जो कि एक वेल नोन राइटर हैं लखनऊ के, जिन्होंने अभी एक किताब पब्लिश की है। आइए जानते हैं उनके बारे में और उनकी जर्नी, कि कैसे वो एक राइटर बने, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और वो हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं। तुषार जी, जय श्री कृष्ण आदित्य जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द ऑडियंस एंड लिसनर्स आउट देयर। मेरे को बचपन से इंग्लिश के जो लेक्चर्स होते थे, जो क्लासेस होती थी स्कूल में, आई वाज मेरी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में था इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में होती है स्टोरीज और स्टोरीज में होता है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। और मुझे आज भी याद है, 8th स्टैंडर्ड में जब मैं स्कूल में था, तो मुझे एक सेंटेंस दिया गया, मेरी मैम ने सेंटेंस दिया, बोला कि इससे आगे कहानी बताओ। और मैं क्लास में खड़े होकर पूरी अच्छा अजीब सी हॉरर रोमांस ड्रामा फिल्ड कहानी मैंने वहां पे नरेट कर दी। और वहां से मुझे अपने राइटिंग स्किल्स पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। आगे बात करते हैं, 2016 में जब मैं चंडीगढ़ में जॉब कर रहा था, वहां पे एक इंसिडेंट हुआ ऐसा कि मुझे एक मेरी कॉलेज के जूनियर का ईमेल आया एंड शी वांटेड टू अप्लाई फॉर अ इंटर्नशिप इन माई कंपनी एट दैट टाइम। तो वहां से वो आइडिया आया कि क्या एक लड़का और एक लड़की ऐसे अजीब और गरीब अजीबो गरीब तरीके में मिल सकते हैं, क्या लव स्टोरी हो सकती है बिटवीन अ गाय एंड अ गर्ल ओवर अ वेरी इम्प्रेसिव रेज्यूमे और सीवी। तो वहां से आइडिया आया कि एक बुक इस पे हम लोग कुछ करते हैं, या तो कोई शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं कुछ ना कुछ, जिसकी एक आइडिया बड़ा अच्छा लगा मुझे कि थोड़ा बॉलीवुड टाइप भी है। और तो अगले 3 महीने मैंने सीखा थोड़ा कि क्या स्टोरीज कैसे होती हैं, स्टोरी आर्क क्या होता है, नॉवल कैसे लिखते हैं, कैसे कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। तो थोड़ा रिसर्च किया मैंने, फिर मैंने रिसर्च किया इंडिया में पब्लिशिंग के बारे में कि कैसे बुक पब्लिश की जाती है, क्या कॉस्टिंग आती है, इस सब मैंने इस पर रिसर्च किया। एंड लकीली फिर मैंने मेरा एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो गया एमबीए के लिए। और वाइल जैसे मैं अपना एमबीए पढ़ के पढ़ाई कर रहा था, साइड बाय साइड में नॉवल भी लिख रहा था। तो कुछ 12 महीने लग गए और लग गए और 62,000 वर्ड्स की मैंने नॉवल लिखी, लव एट फर्स्ट प्रिंट, लाइफ टीचेस लव रिवील्स, जिंदगी सिखाती है बट प्यार इश्क मोहब्बत आपको जिंदगी का एक्चुअल पहलू कोर पर्पस क्या होता है वो बताता है। सो ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, एक सिचुएशनल कॉमेडी है, एक मैसेज भी है यंगस्टर्स के लिए कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में फेल कर जाते हो या कोई ब्रेकअप हो जाता है, तो उसको वो एक नेगेटिव एनर्जी है मिलती है आपको अंदर, पर आपके अंदर वो काबिलियत है कि उस नेगेटिव एनर्जी को आप एक पॉजिटिव सोर्स में यूज कर सकते हो। बहुत सारे यंगस्टर्स गलत कामों में जब ब्रेकअप होता है तो ड्रिंक करते हैं या सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, बट क्यों मतलब क्यों ना उसी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में यूज किया जाए। कुछ पोएम लिख सकते हैं आप, बुक लिख सकते हैं, गाने रैप सॉन्ग्स लिख सकते हैं। कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट हो आपके साथ, आपका जॉब में सिलेक्शन नहीं होता है, ब्रेकअप हो जाता है, कुछ भी, उस नेगेटिव सोर्स को भी चैनलाइज करिए और पॉजिटिव वे में उसको यूज करिए। यही मेरा मैसेज है टू द यंग लिसनर्स आउट देयर एंड थैंक यू आदित्य जी। दैट्स रियली नाइस सर। सर, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपने अभी अपने चीजों के बारे में बताया, बुक्स में आपने बताया कि कैसे आपने स्टोरी के फॉर्म में उसको मेंशन किया, तो नाउ द पार्ट कि आपको इंस्पिरेशन, जो जैसे आप राइटर बने, आपको इंग्लिश पसंद थी, पोएम्स पसंद थी, ये तो एक इंस्पिरेशन हो गया, बट कोई एक ऐसा इंस्पिरेशन रहा होगा, या आप किसी राइटर को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे होगे, या कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपने एकदम ठान लिया कि नहीं, मुझे राइटर बनना ही बनना है। क्या रहा वो, शेयर करना चाहेंगे सर प्लीज? मैं जेके रावलिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, आई एम अ बिग हैरी पॉटर फैन, पॉटर हेड। मुझे आज भी याद है जब हैरी पॉटर की 6th एंड 7th नॉवल लॉन्च होती थी, तो मैं सुबह 6 बजे 7 बजे लाइन लगा के यूनिवर्सल बुक स्टोर में जाता था बुक खरीदने के लिए। उसके अलावा प्रीति शिनॉय एक ऑथर है इंडियन जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनकी एक बुक भी है लाइफ इज वॉट यू मेक इट, और मेरे हाथ में एक टैटू है जिसमें उनकी बुक का एक चैप्टर का नाम दिया हुआ है नेवर बी लिटिल लव।
मलयालम में इसको कहते हैं स्नेहम मतरम पुचिकरतु। इंग्लिश में हिंदी बेसिक मतलब यह है कि प्यार की ताकत को कम मत समझिए, नेवर बिलिटल लव। तो प्रीति शिनॉय जी हैं, अंकुर वारिको जी हैं, दुर्जोय दत्ता हैं, अमीश त्रिपाठी हैं, जो इंडियन राइटर्स हैं, और कुछ यंग राइटर्स भी हैं, कनिका साइनी, वन वल्नरेबल डॉट, मृणाल गौहांडे, दिव्यांश मुंद्रा। हाँ, इनसे मैं इंस्पायर हुआ, इनकी मैंने इनके बारे में पढ़ा, इनकी बुक्स पढ़ी। जयंत जयंत मुंद्रा भी एक और ऑथर है, अच्छे का मेरे फ्रेंड है, एक ऑथर है रिडेम्पशन ऑफ सन बुक के। तो जब आप अपनी कम्युनिटी में आसपास में भी सेम तरह के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और आप जो भी आपका गोल होता है या उसको अचीव करने में आपको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आसपास के लोग भी सेम चीजें कर रहे होते हैं। जब शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि ये राइट, मतलब मेरे को लगा था एक ब्लॉग जितना लंबा होगा, पर अभी आप मानेंगे नहीं, मैंने 7-8 लोग मतलब रिव्यूज भी हैं, गुड रीड्स पे हैं, अमेजोन पे है, प्राइसिंग भी अभी थोड़ी कम हो गई है, अभी फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। मुझे वही था कि मैंने कुछ लाइफ के इंसिडेंट्स को लिया जो मेरे साथ हुए थे, और उसमें मैंने थोड़ा बॉलीवुड का तड़का डाला, और एक अच्छी कहानी रेडी हो गई कॉल्ड लव एट फर्स्ट प्रिंट। एंड इसमें और मैसेज ये भी है कि अगर आपको कोई आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बुरा भला बोल रहे हैं, बार बार आपको टीज कर रहे हैं या बुली कर रहे हैं, उससे अपने माइंडसेट को मत लिमिट करिए। आपके पास बहुत क्रिएटिविटी है, अच्छी इमेजिनेशन, आपके पास अच्छी क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, आजकल तो स्मार्टफोन्स है, तो उसमें ही आप वीडियो कितना कुछ कर सकते हैं। इन टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को यूज करिए, इसकी इंटरनेट भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी देता है। तो स्पेंड योर टाइम इन द पॉजिटिव फेस, लर्न अबाउट न्यू आर्टिकल्स, रीड बुक्स, फॉलो ऑल दीज अमेजिंग पीपल हु आर मेकिंग कंटेंट फॉर अस, लाइक आदित्य नारायण जी भी हैं, ये भी एक कंटेंट बना रहे हैं हमारे लिए, ताकि लोग इंस्पायर हो, लोग अपना नए प्रोजेक्ट लॉन्च करें, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। हाँ, ये कुछ मेरे फेवरेट ऑथर्स हैं, प्रीति शिनॉय, चेतन भगत, हैरी पॉटर, जेके राउलिंग, एंड या दैट्स अबाउट इट। That's great. Okay, sir, what's your message to the society? What's your message to the youngster who are facing, जैसे आजकल होता है कि ज्यादा सभी प्यार मोहब्बत तो एक एज के बाद पहले होता था, आजकल छोटे छोटे बच्चों में हो जाता है, फिर डिप्रेशन ये वो ना जाने क्या क्या. सो ऐसी सिचुएशन में, या जैसे अभी आपने बताया कि लोग बुली करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों के साथ, कभी कभी बड़े लोगों साथ भी बार बार ऐसा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को या ऐसे लोगों को कि वो कैसे इस चीज को बेटर अपने पॉजिटिव वे में यूज कर सकें? थैंक यू आदित्य जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक टर्म होता है चेन्ड एलिफेंट सिंड्रोम। इसका सिंपल एक कहानी है कि जब एक हाथी का बच्चा कुछ सर्कस में लाया जाता है या फिर जू में लाया जाता है, तो वो बहुत छोटा होता है, तो उसको एक बहुत मोटी चेन से बांध देते हैं उसके एक पैर को, ताकि वो बंधा रहे। और वो छोटा हाथी का बच्चा बहुत ट्राई करता है कि वो चेन को तोड़े, पर तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसका वो चेन बहुत मोटी होती है। जैसे जैसे हाथी बड़ा होता रहता है, महावत जो हाथी का ओनर होता है, उस चेन को हटा के एक रस्सी बांध देता है उसके हाथी के पैर पे, रस्सी सॉइल पे लगी होती है। अब वो हाथी इतना बड़ा है, ताकतवर है, उस चेन को तोड़ सकता है, बट बचपन से उसको ये सिखाया गया कि उसने ट्राई पहले ट्राई कर लिया, ट्राई एंड फेल हो गया, तो उसको दिमाग में बैठ गया कि ये रस्सी मेरे से टूट ही नहीं सकती, इसे कहते हैं चेन एलिफेंट सिंड्रोम। अगर आपको कोई, अगर ऐसे टॉक्सिक पीपल हैं, नेगेटिव पीपल हैं, या फिर आपके ऑनलाइन कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो आपको बुली कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट करिए, उनसे दूर रहिए। वहां से उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, आज उनके 3 चैनल्स हैं यूट्यूब पे, और टोटल 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में वीडियोस बनाते हैं। तो सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो ये टॉक्सिक पीपल से थोड़ा दूर रहिए। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव इंसिडेंट होता है, जॉब जॉब चली गई है, जॉब इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ या कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो पहले टेक इट लाइटली एंड देन ब्रीद, मेडिटेट, उसके बारे में सोचिए कि हाँ, इसकी ये दरवाजा बंद हो गया, नेक्स्ट कौन सा दरवाजा है जो मुझे यूज करना है, खटखटाना है, नॉक करना है, क्योंकि जिंदगी चलती रहेगी, लाइफ विल कीप गोइंग ऑन। That's true. That's really true, sir.
सो दैट्स रियली नाइस कि आपने इतने अच्छी चीजें बताई. एंड मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, साई की जो बुक है वो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी सर ने बताया अवेलेबल है. लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इफ यू वॉन्ट रीड देन आप उसे परचेज कीजिए, आप उसे रीड कीजिए ताकि आप जान सकें कि सर ने क्या लिखा है. और आफ्टर ऑल मुझे भी काफी जानने में एक्साइटमेंट है कि ऐसी क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि मोस्टली बुक्स पढ़ के हमारी नॉलेज गेन होती है और बुक्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं. दे नेवर कंप्लेन टू यू, दे नेवर गिव यू एनीथिंग, दे जस्ट गिव यू अ गुड थॉट्स, दे गिव यू अ थिंकिंग लेवल. एक्सपोजर जिसे कहते हैं वो बुक्स पढ़ने से ही आता यस है, लोगों से मिलने से तो आता है बट एक्सपोजर बुक पढ़ने से भी आता है, क्योंकि जहां पे आपको बेस्ट एक्सपोजर चाहिए होता है उसके लिए आपको बुक की नॉलेज होना भी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आप उस लेवल या उस साइकिल को सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे. सो तुषार जी, वेरी थैंक्स टू यू कि आप हमारे शो पे आए. और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, यू आर द सेकेंड गेस्ट इन माई न्यू प्रोग्राम विच इज द नेम ऑफ बाय द नेम ऑफ बाटे, जिसकी फर्स्ट गेस्ट मिस निराली शाह रही थी हमारे साथ एंड उसके सेकेंड गेस्ट आप हैं. एंड आई एम रियली जी थैंकफुल टू यू कि जी आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया. थैंक यू एंड मैं विश करूंगा कि आपकी बुक्स के सीक्वल्स आए और हम लोग उसे पढ़ें अच्छे से और जाने और ज्यादा चीजें. चलिए, थैंक्स टू यू, राधे कृष्ण.